एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैं चावल को ग्लास से नाप कर डाल रही हूँ। तो मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए हैं और मैं लंच में बना रही हूँ काली दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं चावल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, हाथ निकाल रही हूँ इनमें से, क्योंकि अपनी तसल्ली के लिए एक बार हाथ निकालना ज़रूरी होता है चावल से। मैं ऐसे कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन चावल साफ़ ही होते हैं हमेशा, क्योंकि हम लेकर आते हैं बासमती वाला जो चावल होता है, तो वही यूज़ करती हूँ मैं खिचड़ी में भी। तो काफ़ी खिली खिली सी खिचड़ी होती है, तो उसकी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं पानी बॉईल करके, मतलब पानी में ही डाल रही हूँ, मैं तड़का वगैरह नहीं लगा रही हूँ इस वाली खिचड़ी का। तो मैं ज़्यादातर करके खिचड़ी को ऐसे बनाती हूँ, जो काली दाल की खिचड़ी होती है। कभी कभी मैं छोंक लगा कर भी बना लेती हूँ, लेकिन वो मैं कभी कभी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें पानी डाल दिया और चावल डाल दिया, और मैं दाल को साफ़ करना भूल गई थी। तो मैंने चावल डाल दिया पहले और फिर मैंने दाल को साफ़ किया। तो दाल भी मैंने भिगोकर, मतलब अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर उसको डाल लिया है। और इसमें मैंने नमक डाला है सिर्फ, और हींग डाला है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और हल्की सी मिर्च भी मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर इसमें सीटी आनी दूँगी, मतलब 2 सीटी में हो जाएगी ये। और उसके बाद मैं कपड़े धोने लग गई थी खिचड़ी बनाने के बाद। और यहाँ पर ये साइकिल खड़ी हुई है, तो इनको साइड में करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लगाऊँगी मशीन। और मशीन की सेटिंग मैंने बाहर ही, मतलब तार को जॉइंट करना होता है, और पहले तो ये अंदर रखी हुई थी, लेकिन अभी मैं बाहर ही रखती हूँ उसको, क्योंकि फिर पानी पानी हो जाता है अंदर, और फिर कोई जगह नहीं है पानी बाहर निकलने की। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया अपना, क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका था डाउन, बैटरी डाउन हो गई थी, और मैंने देखा भी नहीं अपने फ़ोन को। और वहाँ पर वो फ़ोन बीच में ही रुक गया था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी वीडियो रुक चुकी है। तो फिर मैंने सीधा शाम को व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है अपना। और इवनिंग टाइम में मैं बना रही हूँ कुछ स्नैक्स, क्योंकि बच्चों की पसंद से तो मन हुआ है आज खाने का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ इनको। और मैंने आलू को बॉईल करके फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि आलू को मतलब ज़्यादा गर्म तो मैंने एकदम से नहीं रखा था फ्रिज में, थोड़ा सा वो जो वो ठंडे हो गए थे, तो मैंने छील कर उनको रख दिया था फ्रिज में। उससे क्या होता है कि आलू थोड़े से टाइट हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने उनको चाकू से ऐसे गोल गोल करके काट लिया है। और मैं उनको डायरेक्ट बेसन में डालकर बनाऊंगी आज पकोड़े, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके से पकोड़े। और मैंने यहाँ पर बेसन का घोल तैयार कर लिया है, इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर भी डाला था, शायद वो स्किप हो गया। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है इसमें। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से मैंने मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बनाई है। तो साथ में मैंने इसके डाल दिए हैं ये आलू जो मैंने कट किए थे, तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इस तरीके से पकोड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हर तरीके से आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे, जब आप जब भी मतलब आलू के पकोड़े आप लोगों को खाने होंगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है, और मैंने डाल दिया इसमें ऑयल, और वो बेसन बच चुका था तो मैंने उसको कर दिया है ट्रांसफ़र बॉक्स में। तो बस यहाँ पर मैंने इनको डालना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी जल्दी जल्दी से बनाऊँगी मैं। यहाँ पर एक बार में मैंने जो पकौड़े डाले थे वो बन चुके हैं, और ये बनकर रेडी हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में ये काफ़ी टेस्टी बने थे। तो बस यहाँ पर मैं साथ के साथ ही चाय भी बनने के लिए रख रही हूँ, और मैंने इसमें पानी रख दिया था 2 कप चाय बनने के लिए, लेकिन मैं 3 कप और एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि कोई आया है मम्मी जी और के पास, तो जब से पानी आया तो कुछ सामान ख़राब हो गया, तो उनका फ्रिज ख़राब हो गया था, तो वो सही करने के लिए आए हुए हैं वहाँ पर, तो बस उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। और मैंने दूसरी बार में भी बस पकोड़े बनाए, और यहाँ पर ये पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, तो काफ़ी टेस्टी पकोड़े बनकर हमारे तैयार हुए थे।
तो बस पकोड़े खाएंगे और इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ अपना किचन समेटने के लिए। तो किचन काफ़ी फैल जाती है, चाहे हम थोड़ा सा काम करें चाहे हम ज़्यादा काम करें, तो थोड़ा सा काम करने पर भी हमारी किचन काफ़ी फैल जाती है। तो मैंने ये किचन को समेट लिया है और शेल्फ वगैरह को क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर बस मैं अभी बर्तन क्लीन करूँगी और मैंने अपने सूट पर लगा लिया टॉवल, क्योंकि सूट गंदा नहीं होगा मेरा और मुझे जाना है मार्केट की साइड, तो इसीलिए कपड़े गीले नहीं होंगे। तो जैसे काफ़ी बर्तन पड़े हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है। वैसे मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी बांधने की, तो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही, मुझे आदत नहीं है। लेकिन जब मुझे कभी बाहर जाना होता है या कोई फंक्शन वगैरह होता है घर में, तो जैसे कोई नया कपड़ा पहना हो तो फिर मैं लगा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे बाहर जाना है, नया तो मैंने नहीं पहना, लेकिन जब मुझे बाजार जाना होता है तो फिर मुझे चेंज करते हुए बड़ा आलस आता है। तो मुझे सूट अपना सही लग रहा था तो फिर मैंने टॉवल बांध लिया, तो बस कपड़े गीले नहीं होंगे। और यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा देसी जुगाड़ लगा लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन कपड़े गंदे ना हो तो इसे बचाने के लिए तो मैंने टॉवल बांध लिया है। तो बस यहाँ पर फटाफट से बर्तन कर लेते हैं। करने लगी हूँ किशू को रेडी, और मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि किशू के कपड़े दो तीन जोड़ी चेंज हो जाते हैं हमेशा ही, दिन में दो तो हो ही जाते हैं, तीसरा तो ना भी हो, लेकिन दो जोड़े उसको चाहिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको स्लीपर पहना दिया है, सैंडल तो ये मुझे दी थी घर से मम्मी जी ने, जब मैं समर वेकेशन के लिए गई हुई थी घर पर तो मम्मी जी लेकर आई थी इसके लिए। और ये अपनी स्लीपर को जब पहनता है तो फिर ऐसे देखता है, फर्स्ट टाइम जब बच्चे स्लीपर पहनते हैं तो वो ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि जब मैंने मॉक्स को भी पहनाई थी फर्स्ट टाइम स्लीपर, तो वो भी अपने पैरों की साइड ऐसे ही देखता था। और बस यहाँ पर मैं तो रेडी ही हूँ, तो मैंने चोटी वगैरह बनाई है और आज मैंने चोटी बना ली है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि जब से घर में क्लीनिंग वगैरह की है तो बाल बड़े रफली से हो गए, तो देखते हैं इनको क्या करेंगे अभी। तो बस अभी निकलेंगे, और यहाँ पर फ़ोन पकड़ा हुआ है मोक्ष ने और मैं पी रही थी पानी। तो मुझे आदत है जब भी मैं कहीं बाहर निकलूँ तो मैं पानी पी कर ही चलती हूँ घर से, तो एक होता है ना मतलब आदत सी बनी होती है किसी ना किसी चीज़ की हर किसी की। तो बस मुझे पानी पीने की आदत है घर से निकलते ही, मतलब जब भी मुझे घर से निकलना होता है तो मैं एक गिलास पानी पीकर निकलती हूँ। और अभी हम आ गए हैं मॉल में, तो मैं लेने आई थी मोक्ष के लिए स्कूल की बोतल, और लंच बॉक्स तो हम लेकर चले गए थे पहले ही। तो यहाँ पर मैं उसको मतलब बोतल को देख रही थी कि कोई अच्छी क्वालिटी सी की मिले मुझे, क्योंकि जो भी बोतल थी जो बच्चों के थर्मस वगैरह आते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, उनकी प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि वो टूट जाते हैं, लेकिन मुझे फिर उससे अलग कुछ मिल नहीं रहा था और मोक्ष को ये वाली बोतल पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ले लो। और उसको दो बोतल पसंद आ रही थी तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं एक ही लेनी है अभी, जब टूटेगी तो तब देखेंगे, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर ही तोड़ देता है अपनी बोतल को, जब पानी से भरी हुई बोतल नीचे गिर जाती है तो वो एकदम से टूट जाती है। और यहाँ पर मैं किचन के लिए भी कंटेनर देख रही थी, तो ये वाला बॉक्स तो फिर भी सही था, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, और जो ये ब्लैक वाले थे तो इनकी काफ़ी लो प्लास्टिक थी, तो काफ़ी अच्छी प्लास्टिक नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेंगे, और यहाँ पर ये बिल वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने फ़्लिपकार्ट पर देखे भी थे तो काफ़ी अच्छे कंटेनर थे, लेकिन मैंने मंगाए तो थे और फिर पानी आने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि उनका भैया का फ़ोन आया था कि आपका पार्सल है जब मैं मायके में थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया हमारे यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है और मैं घर पर भी नहीं हूँ, तो फिर वो कैंसिल हो गया था मेरा ऑर्डर। और अभी मोक्ष लेने लगा है मॉल के बाहर से बैलून, तो यहाँ पर हमेशा ही मैं जब भी इस मॉल में आती हूँ तो बच्चे ही नज़र आते हैं इस मॉल के बाहर, और वो बैलून ही बेचते हैं हमेशा, तो बड़ा ही बुरा फील होता है मुझे इस तरीके से बच्चों के लिए, जब बच्चे बाहर इस तरीके से सेल करते हैं कोई ना कोई चीज़। तो फिर मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे काफ़ी इमोशनल सा फील हो रहा था उस बच्चे के लिए, काफ़ी बुरा लग रहा था, तो मैंने उससे बैलून ले ली। मुझे ज़रूरत नहीं थी मतलब बैलून की, क्योंकि हमारे घर पर बैलून रखे हुए हैं पहले से, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मुझे बुरा सा फील हो रहा था, वो कह रहा था कि आंटी जी ले लो, तो फिर मैंने उससे बैलून ले लिए कि मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं ले लो। तो मोक्ष के पापा जी कहने लगे कि चलो ले लो। तो इस तरीके से बच्चों को सेल नहीं करवाना चाहिए, तो पता नहीं उनकी क्या कंडीशन होगी, क्या करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पर कोई और बात करूँगी तो शायद किसी को गलत लग जाए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देती हूँ। तो आज मतलब हमारे घर पर आई है एक नन्ही सी गुड़िया,
गुड़िया के आने से काफ़ी चहल पहल हो गई थी हमारे घर में। तो यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे, मोक्ष के पापा जी ने चलाए हुए थे गाने। तो ये लड़की बोल रही थी कि मेरे लिए गाने चलाओ, और ये मोक्ष के पापा जी जानते हैं इसको, तो मैं तो नहीं जानती हूँ। तो ये बोल रही थी कि मुझे छोटे बेबी के पास जाना है, तो ये यहाँ पर आई है। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो मोक्ष भी काफ़ी, मतलब मोक्ष की भी खुशी का ठिकाना नहीं था इस लड़की को देखकर। तो दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, मस्ती चल रही है बच्चों की। तो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक के बिना मत जाइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।